स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट रिसर्च डिजाइन ऑफ मिक्स मैथड रिसर्च मैथडोलॉजी विच इज़ सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेट्री रिसर्च डिज़ाइन सिक्युेंशियल एक्सप्लेनेट्री डिज़ाइन अपील्स टू रिसर्च विद स्ट्रॉन्ग क्वान्टिटेटिव लीनिंग्स यानी वो लोग जिनकी क्वान्टिटेटिव एक्सपर्टी ज़्यादा हैं वो इस रिसर्च uh, डिजाइन को ज़्यादा uh, पसंद करते हैं इट इज़ करैक्टराइज बाय द कोलेक्शन एंड एनालिस ऑफ क्वान्टिटेटिव डेटा इन आ फर्स्ट फेज ऑफ रिसर्च एंड फॉलोड बाई द कलेक्शन एंड एनालिसिस क्वालिटेटिव डेटा इन आ सेकेंड फेज इस रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि आप जो है पहले क्वान्टिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं जब आप क्वान्टिटेटिव डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और उसके एनालिसिस के बाद आप क्वालिटेटिव डाटा की कलेक्शन शुरू करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं वेट इजिकलीटिव डेटा यानी मोर वेटिज इज टू द्वानिटेटिव डेटा अगर आपके पास भी हुआ तो आप जो क्वान्टिटेटिव रिजल्ट हैं उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे उसको ज्यादा वेटेज देंगे मिक्सिंग ऑफ द डाटा अकर्स वेन द इनिशियल रिजल्ट डाटा कलेक्शन यानी बेस्ड ऑन द क्वानिटिव डाटा गैटिंग द इनपुट ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा टू फॉर्म्स ऑफ डेटा आर सेपरेट बट कनेक्टेड ये हमने सेपरेटली कलेक्ट किए हैं मगर बट वी वी ट्राई टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन दैम यानी हम क्वान्टिटेटिव फाइंडिंग्स को कन्फर्म करते हैं थ्रू क्वालिटेटिव डाटा एंड एक्सप्लिसिट थ्योरी मे और मे नॉट वी इनफॉर्म दरऑल प्रोसीजर इसमें हम समाइम जो है प्रॉपर एक थेरेटिकल बैकग्राउंड से जा रहे होते हैं और सम टाइम हम इसको यूज नहीं भी कर रहे होते हैं। तो इसका प्रोसीजर जैसे इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि पहले आप क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप फॉलो अप में क्वालिटेटिव डाटा के लिए जाते हैं वट आर द एडवांटेज ऑफ दिस डिजाइन दिस इज स्पेशली यूजफुल वेद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अराइज फ्रॉम माइ क्वान्टिटेटिव स्टडी यानी आपके पास अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गए हैं तो आप फिर क्वालिटेटिव डेटा के साथ उस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को देख सकते हैं कि क्या रीज़न है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यू आर स्टडिंग इन बलूचिस्तान आप ग्वादर मकरान या केच के डिस्ट्रिक्ट में स्टडी कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर और वहाँ पे आपका फर्टेलिटी रेट सेवन या एट आ रहा है और पाकिस्तान का फर्टेलिटी रेट इस टाइम नियर बाई थ्री है तो ये बड़ा आ, आ, जो है एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो वो वहाँ आप फिर स्टडी कर सकते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे इतना फर्टिलिटी रेट क्यों है तो फिर आपको क्वालिटेटिव डेटे uh, से उसकी रीजंस मिल सकती हैं कि वहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर की अगर बात करें तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिटरेसी नहीं है वहाँ पे जो है एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम की अवेयरनेस नहीं है और इस तरह के सर्टन फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं वहाँ पर तो द स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नेचर ऑफ दिस डिजाइन इज वन ऑफ इट्स मेन स्ट्रेंथ यानी इसमें आप यू आर नॉट इन एम्बिगविटी यू आर क्लियरली यू क्लियरली नो दैट के आपके जो हाइपोथेसिस है आपने वो क्वांटिटेटिव डेटा के साथ टेस्ट करने हैं और उनको कन्फर्म करना है क्वालिटेटिव डेटा के साथ इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट बिकॉज द स्टेप्स फॉल इन टू क्लियर एंड सेपरेट स्टेट यानी इसमें कोई इम्बिगटी है ही नहीं आपने क्वांटिटेटिव डेटे को लेके एनालाइज करके बाद में क्वालिटेटिव डेटे की तरफ जाना है और उसको और उस डेटे को भी इस कॉन्टेक्स्ट में आपने कलेक्ट करना है कि वो आपकी क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स को कंफर्म करे या उनको सपोर्ट करे दिस डिज़ाइन मेक्स इट इजी टू डिस्क्राइब एंड टू रिपोर्ट और इससे ये जो डिज़ाइन है वो क्योंकि आप पहले क्वान्टिटेटिव रिजर्च रिपोर्ट कर रहे हैं आप अपने पहले हाइपोसिस टेस्ट करके रिपोर्ट करें और उसके बाद उसकी क्वालिटेटिव सपोर्ट फाइंडिंग की सपोर्ट ला रहे हैं तो ये क्वाइट ईजी है इसकी रिपोर्ट राइटिंग अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेन वीकनेस ऑफ दिस डिजाइन इज द लेंथ ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन डाटा कलेक्शन विद टू सेपरेट फेजेस यानी अगर आप प्रॉपर दो स्टडीज कर रहे हैं पहले क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन करें फिर क्वालिटेटिव करें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम जो कि ओवरऑल ऑल जो मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइंस हैं उनका एक इशू है ये हमने इस मैथडोलोजी का एक जो है डिसडवाटेज uh, प्रीवियस मेड्यूल में पढ़ा है दिस इज स्पेशली अ ड्रा बैक इफ़ द टू फेजेस आर गिवन इक्वल प्रायोरिटी और ये और बढ़ जाता है जब दोनों की वेट इज हो तो फिर और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है इस तरह की स्टडी